ये कल शाम को करीबन 8 बजे एक न्यूज़ आई थी कि फायरिंग बट के पास में फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक लाश पड़ी है और लहूलुहान लाश है। उस पर श्रीमान एसपी साहब, मैं तथा सीओ साहब और साथ में कोतवाली स्टाफ मौके पहुँचे। एफएसएल टीम को भी मौका दिखाया गया। उसके पास में ही दो पत्थर पड़े थे जिनसे बुरी तरह से उसके साथ मारपीट हुई है और उसके बाद में उसकी हत्या हुई। प्राइम ऑफिस के पास में बाल नोचे हुए पड़े थे तथा उसकी चप्पल अलग पड़ी थी, तो लगा कि यहीं कोई संघर्ष हुआ है और यहीं इसकी हत्या हुई है। कहीं से, कहीं अन्य जगह से हत्या करके नहीं डाला गया, वहीं पर स्पॉट पे हुआ। वहां से पता किया गया, अज्ञात व्यक्ति था, कोई आइडेंटिफिकेशन का उसकी जेब वगैरह में तलाश की गई तो कुछ भी नहीं मिला। मोर्चरी में शिफ्ट करते ही उस समय वहां पर हेल्पलाइन का एक बंदा है, उसने बताया कि ये रेलवे कॉलोनी का रहने वाला व्यक्ति है। कंफर्म किया गया, हमारे व्हाट्सएप पे भी भेजा गया, तो मीडिया से भी हमें वापस रेस्पॉन्स आया कि बताया ये रामकेशव कांदा प्रजापत है जो कि रेलवे कॉलोनी में रहता है, डेली मजदूरी का काम करता है। उसके पिता से पूछा गया तो पिता ने ये बताया कि ये आज दोपहर को निकला था खाना खाने के बाद, उसके बाद में ये घर वापस नहीं आया। उसके बाद में उससे आइडेंटिफिकेशन करवाया गया तो उसने बताया कि इसकी दो उंगलियां कटी हुई है पैर की और ये मेरा बच्चा है। तो उसके आधार पर लास्ट सीन में पता किया गया कि ये लास्ट में किसके साथ में निकला है, तो पाटिल योगेश जो इसके साथ में कामकाज करता था उसके साथ में ये निकला था। पाटिल योगेश से पूछताछ करी तो उसने गहनता से पूछताछ पे ये बताया कि कल इन्होंने पहले दिन में शराब पी, खाना खाया, उसके बाद में दो पौवे लेकर के फिर वो वहीं फॉरेस्ट वाले एरिया में एकांत में चले गए थे। वहां पर इनमें शराब के पैसे देने के बारे में 600 रुपये पर आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े में इसने गुस्से गुस्से में उसके पत्थरों की मार करके हत्या कर दी। योगेश को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ करने के बाद में अरेस्ट कर लिया गया है और अग्रिम तफ्तीश की जा रही है कौन सी मोटरसाइकिल से वो वहाँ पहुँचे, योगेश ने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए तो वो कहाँ पर है, अन्य तफ्तीश की जा रही है।